हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। इस वीडियो में हम इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, भारत के बारे में कि भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो कि हासिल कर ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। यहाँ पर इंडिया ने जापान को पीछे करते हुए एशिया पावर इंडेक्स में थर्ड लार्जेस्ट पावर बन गया है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा वेडनेसडे के दिन ये सिग्निफिकेंट जो हमने अचीवमेंट प्राप्त किया है तो इसको साझा किया गया है। तो एशिया पावर इंडेक्स ये निकाला गया है जिसमें भारत तीसरे स्थान पर आया है एशिया पैसिफिक रीजन में। ये एक सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल जो फायदा भारत को मिलने वाला है, आगे आप देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आगे बात करें हम तो ये लोवी इंस्टीट्यूट है जो कि 2018 से एशिया पावर इंडेक्स को निकालती है और एशिया पैसिफिक रीजन में लगभग 27 देशों को ये देखती है कि उनके अंदर एबिलिटी क्या है, उनके अंदर वो कैसे क्या काम कर रहे हैं और वो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को कैसे अपने जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को कैसे डील कर रहे हैं और अपने देश को कैसे मजबूत कर रहे हैं और विभिन्न देशों से कैसे वो अपने देश को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे फायदा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि भारत को जो ये फायदा मिला है तो इस पे सबसे बड़ा फायदा पोस्ट पैंडेमिक में जो रिकवरी की गई है भारत के द्वारा और इकोनॉमिक जो रिसर्जेंस दिखाया है भारत ने, ये काफी ज्यादा फायदेमंद है यहाँ पर भारत के लिए साबित हुआ है। और लगभग 4.2 पॉइंट बूस्ट है जो कि इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में आया है। और इसके साथ ही जो आपका परचेसिंग पावर पैरिटी है, इनके टर्म्स में भी भारत जो है देश के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, लेटेस्ट रैंकिंग जो आई है एशिया पावर इंडेक्स की, तो यहाँ पर देखिए टॉप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, 81.7 स्कोर मिला है। चाइना आपका 72.7 स्कोर मिला है। तीसरा आप देख सकते हैं इंडिया है 39.1 पॉइंट के साथ। यहाँ पर देखिए जो सुपर पावर है, सुपर पावर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना ये दो हैं और इंडिया आपका ध्यान दीजिएगा ये सुपर पावर अभी नहीं है, ये सुपर पावर बनने की राह पर चल रहा है, ठीक है। यानी अभी भारत को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं चाइना से लगभग आधे हैं हम, यानी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। इंडिया के बाद देखिए जापान आता है, जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके बाद रसिया। तो रसिया की स्थिति काफी ज्यादा खराब बताई गई है, 31 पॉइंट इन्हें मिले हैं और इसका प्रमुख कारण है रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, चाहे आप वो इसके बाद देखिए उनका इजराइल में जो युद्ध हो रहा है लेबनान के साथ, उनमें मतलब कई जगह कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हैं और यूरोप में प्रतिबंधित हैं। एशिया में भी लगभग कई जगह जो जहां पर यूरोप का इन्फ्लुएंस है वहां पर भी ये प्रतिबंधित हैं। तो इसके कारण से रशिया को काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल यहाँ पर लॉस देखने को मिला है, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए फैक्टर्स जो कि इंडिया को बढ़ाने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो सबसे ज़्यादा देखिए तो एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ है। आप देखेंगे पोस्ट पैंडेमिक के बाद भारत की इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ आप देखेंगे काफ़ी अच्छी हुई है, डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना अच्छा हमारे हुआ क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे इतनी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है कि हमें दूसरों की ज़रूरत ही भी नहीं पड़ती है और जो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारा देश ग्रोथ करता रहेगा अच्छे स्तर पर, ठीक है। इसके बाद देखिए सर्विस फैक्टर भी बहुत बड़ा इसका कारण रहा है क्योंकि सर्विस सेक्टर भारत का काफी अच्छा है, ठीक है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज्यादा फैक्टर यही है, यानी सबसे ज्यादा जो हिस्सा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत के वो सर्विस सेक्टर का ही होता है। उसके बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर, फिर इसके बाद आपके मैन्युफैक्चरिंग आता है। इसके बाद देखिए डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी एक बहुत ही बड़ा कारण रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। आप देखेंगे जो हमने यूएसए से भी संबंध अपने अच्छे रखे हैं और रसिया से भी संबंध हमने अच्छे रखे हैं और रसिया से हम क्रूड ऑयल भी लगातार खरीदते रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा था। इसके बाद देखेंगे आप G20 की समिति हुई, ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, ये सब दिखा रहे हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस वर्ल्ड लीडर्स के साथ कितना अच्छा है और वर्ल्ड स्तर पर हमारा इन्फ्लुएंस काफी अच्छा है। और देखिए नॉन अलाइंड स्ट्रेटजी है जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि हम किसी एक देश के प्रति या किसी एक सोच के प्रति नहीं है, हम ये देखते हैं कि हमारा किससे फायदा है। हम रसिया को रसिया से भी व्यापार करते हैं, अमेरिका से भी व्यापार करते हैं, चाइना से देखिए कितने टेंशन हमारी बॉर्डर पर है लेकिन उसके बाद भी हम चाइना से भी व्यापार करते हैं क्योंकि देखिए वो सब एक कारण है लेकिन इसके साथ ये बेवकूफ़ी है कि हम उनसे पूरी तरह से रिश्ते तोड़ दें। क्योंकि देखिए आज के समय में ग्लोबल दुनिया हो गई है तो कोई भी देश एक दूसरे के सहयोग के बिना ग्रोथ नहीं कर सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो डिप्लोमेसी में ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद लीडरशिप रिकॉग्निशन, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप काफी अच्छी है और उन्होंने इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, वो कैसे विदेश जाकर उनके वर्ल्ड लीडर्स को अपने प्रति इन्फ्लुएंस करना है, भारत के प्रति कैसे इन्फ्लुएंस करना है और वहां पर उनके उनसे अच्छे रिश्ते बनाकर जो पर्सनल वो टच देते हैं रिश्तों को, तो आप देखेंगे उससे काफी ज्यादा फायदा होता है। चाहे आप देखिए यूएसए के जो बाइडेन के साथ या रसिया के
प्रेसिडेंट के साथ, तो पुतिन के साथ तो काफी अच्छे रिश्ते आप देखेंगे, आप कभी भी वीडियो देखिएगा, काफी अच्छे दिखते हैं, लगता है इनकी अच्छी खासी दोस्ती है। चाहे आप जॉर्जिया मिलोनी जो इटली की पीएम है उनके साथ भी आप देखेंगे काफी अच्छे रिश्ते दिखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की, और उसके साथ कल्चरल डिप्लोमेसी भी काफी ज्यादा फायदेमंद है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया है। कल्चरल डिप्लोमेसी को भी जोड़ने का प्रयास करते हैं, दो विभिन्न समुदायों को जो अलग है बिल्कुल, उन्हें जोड़ने का, किसी न किसी प्रकार से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद देखिए लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक पोस्चर, क्योंकि हम एक हर एक मुद्दे पर पहले हम दबते थे हर एक मुद्दे पर अपना विचार देने से, लेकिन आप देखेंगे भारत मुखर होकर अब जवाब भी देता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखने का प्रयास करता है। इसको देखिए अवॉइडेंस ऑफ बाइनरी चॉइसेस, इंडिया क्या करता है, एबल टू एंगेज विद मल्टीपल ग्लोबल पावर्स विदाउट अलाइन इटसेल्फ। ये मैंने वही बात बताई कि हम किसी के प्रति अलाइन नहीं होते हैं, हम दोनों को लेकर चलने का प्रयास करते हैं, किसी एक के प्रति झुकने का प्रयास नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए फोकस ऑन रीजनल कोऑपरेशन, हम देखिए आसियान को भी महत्व देते हैं, इसके बाद इंडियन ओशियन रीजन को भी महत्व देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। जिसके बाद हम देखिए इंडियन ओशियन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की भी लगातार बात करते हैं और उस पर काम भी करते हैं। आप देखेंगे भारतीय नौसेना लगातार अपने इंडियन ओशियन को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे हार्मोज जल संधि के आसपास आप देखेंगे जो हैती रिवेल है, इनके द्वारा जो घटनाएं की जाती हैं, जो ये लोगों को परेशान करते हैं, नाव या बड़े बड़े जहाज आप देखेंगे कंटेनर इनको जब्त कर लेते हैं, तो भारत वहां पर मिशन चलाकर उन्हें छुड़वाने का भी काम करता है। ये काफी अच्छी चीज है। रोल इन रीजनल सिक्योरिटी, इन पर भी काफी अच्छा भारत काम कर रहा है। जैसे आप क्वाड के माध्यम से देखेंगे कि इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा जो कर्ता धरता है वो भारत ही है, उसके बराबर कोई नहीं है इस समय। इसके बाद देखिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो हमारे पॉजिटिव जेस्चर को दिखाने का प्रयास करता है। जैसे हम देखिए वो आपका क्या कहते हैं रसिया और यूक्रेन के युद्ध में, देखिए हम रसिया के साथ दिखते हैं लेकिन यूक्रेन को भी हम वहीं साथ में ही यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देने का काम करते हैं, अफगानिस्तान को भी देते हैं। इसके बाद देखेंगे तुर्की को भी हमने सहायता प्रदान की थी। तो ये दिखाता है हमारे देखिए सोच चाहे जैसी भी हो, लेकिन जहां पर मानवता की बात आएगी तो वहां पर भारत सबसे पहले आपको खड़ा दिखेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट वीडियो थी, इतने सारे मैंने आपको चीजें बताई, तो आपकी वीडियो कैसी लगी है तो जरूर बताइएगा, और आपके क्या इस पर विचार है ये भी आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।